परीक्षा समाप्त होने के बाद घर लौट रहे शिक्षक को ट्रक ने उड़ाया। घटनास्थल पर शिक्षक की मृत्यु हुई है। वाड़ी में आए दिन दुर्घटना हो रही है। गुरुवार को 3 बजे के दौरान 10वीं की परीक्षा खत्म कर घर लौट रहे एक शिक्षक के 2-व्हीलर को पीछे से टक्कर मारी। शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक फ्रेंड्स कॉलोनी किट्टी खदान निवासी शिक्षक अरविंद जाने उम्र 45 बताया गया। शिक्षक प्रगति कन्या हाई स्कूल में कार्यरत थे। हाई स्कूल को ही पढ़ाते थे। गुरुवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी। सेंटर भी प्रगति कन्या हाई स्कूल ही था। 2 बजे पेपर होने के बाद शिक्षक जाने इन्होंने पेपर के गट्ठे बांधकर मुख्याध्यापक के पास सौंप दिए। वह घर के लिए स्कूल से निकले। काटोल बाईपास होते हुए हमेशा की तरह गिट्टी खदान की ओर निकले। दोपहर 3 बजे के दौरान परीक्षा होने के बाद पेपर देकर गट्ठे बांधकर घर जा रहे थे। हाई स्कूल टीचर थे। अपनी एक्सेस 2-व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 31EZ 8240 पर जा रहे थे। तब दाबा टोल नाके के पास पीछे से तेज रफ्तार से आए ट्रक RJ 11GB 5366 ने शिक्षक को टक्कर मारी। शिक्षक की गाड़ी सड़क किनारे पड़ी। 2-व्हीलर को खरोंच तक नहीं आई। शिक्षक पीछे के चक्के की चपेट में आया। घटना होते ही प्रत्यक्षदर्शी लोग दौड़े। तुरंत शिक्षक अरविंद जाने को वाड़ी के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी गिट्टी खदान पुलिस को दी गई। यातायात विभाग व गिट्टी खदान पुलिस दलबल मौके पर पहुंची। 2-व्हीलर व ट्रक को गिट्टी खदान पुलिस ने ताबे में लिया है। शिक्षक अरविंद जाने का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रगति कन्या हाई स्कूल के टीचर को घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षक अर्चना पारदी, गोहने सर, धनराज पारदी, शरणागत सर दाभाना का मौके पर पहुंचे। बताया गया कि जाने की पत्नी भी रामटेक के स्कूल में शिक्षिका है। हेलमेट भी शिक्षक की जान नहीं बचा पाया। सुरक्षा के लिए यातायात विभाग ने हेलमेट पहनना कानूनी सख्ती की है, लेकिन हेलमेट पहनने से भी दुर्घटना हुई तो हेलमेट जान बचा नहीं पाया। हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हुए। बताया गया कि हेलमेट के कारण पीछे से आ रहे ट्रक के हॉर्न की आवाज नहीं आई। इन BCN के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।